चलो क्वेश्चन नंबर इलेवन से स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर इलेवन में कैलकुलेट द एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब डी डेट इज इक्विवेलेंट टू अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फोर परसेंट कन्वर्टेबल मंथली मतलब आई ट्वेल्व दिया हुआ है और डी निकालने बोल रहा है वन माइनस डी इज वन बाय वन प्लस आई ट्वेल्व 12। टू दावर ट्वेल्व एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इलेवन परसेंट कन्वर्टेबल हाफ इू दिया हुआ आई निकालना है तो वन प्लस आई इज इक्वल टू वन प्लस आई टू बाई टू का स्क्वायर उसके बाद में Rate of of 12 ठीक है तो इसका मतलब क्या है आई निकालना है दिया हुआ क्या है आई ट्वेल्व दिया हुआ ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेबल मंथली आई ट्वेल्व निकालने बोल रहा है, आई दिया हुआ है, है कि नहीं सेम इक्वेशन बनाएंगे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इलेवन परसेंट कन्वर्टेबल थ्री टाइम्स अयर थ्री टाइम्स अयर मतलब आई फोर नहीं, आई थ्री ठीक है हम लोग को एक तरफ रखना पड़ेगा वन प्लस आई ट्वेल्व बाई टे हो गया एक साल का कन्वर्टेबल थ्री टाइम्स मतलब क्या हो जाएगा फोर एक मिनट को आई फोर मतलब क्या हो गया एक साल को चार भाग में डिवाइड करेंगे मतलब क्वार्टर तीन महीना नहीं आई थ्री आई थ्री मतलब एक साल को तीन भाग में डिवाइड करेंगे मतलब चार चार महीना हाँ ठीक है तो वन प्लस आई थ्री थ्री होल्ड टू दावर थ्री ठीक है हुआ ये सब में किसी को कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत बोलो प्लीज ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखो क्वेश्चन नंबर थर्टीन नहीं किया क्या ठीक है वन कर लो

माइनस जीरो पॉइंट वन सिक्स इन टू हाफ वन माइनस ना कितना आ रहा है इसका आंसर, जोर से बोलो चार लाख साठ हजार क्वेश्चन नंबर टू देखना क्वेश्चन नंबर टू कैसे करेंगे देवांशी बोलो अ बैंक अकाउंट पेज एन इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ टेन परसेंट ओवर फाइव इयर्स, मतलब इज इक्वल टू इक्विवेलेंट निकालना है सिंपल एनुअल इंटरेस्ट रेट वन प्लस एन आई फाइव आई ठीक है पहला ये हो जाएगा इफेक्टिव मंथली इंटरेस्ट रेट मतलब होल टू पावर सिक्सटी देखो ना किससे इक्वेट कर रहे हैं पहले ये चीज देखो किससे इक्वेट कर रहे हैं इफेक्टिव टू ईयरली इंटरेस्ट रेट तो वन प्लस आई जीरो पॉइंट फाइव बाई 0.5 फाइव होल्ड टू दी पावर टू पॉइंट फाइव क्लियर एफेक्टिव एनुअल डिस्काउंट रेट और फिर अब तो निकल ही जाएगा एफेक्टिव एनुअल डिस्काउंट रेट कैसे आएगा वन बाय वन माइनस डी होल टू दी पावर फाइव सिंपल एनुअल डिस्काउंट रेट तो वन बाय

टू का लाइन से आंसर बताइए पांच साल का है ना आपको दिखाना ऐसे ही पड़ेगा ये ऐसे ये ये नहीं बोल रहा है कि एक साल का इंटरेस्ट रेट टेन परसेंट है नहीं ओवर अ ऑफ फाइव इयर्स इट इज परसेंट डू इट वन पॉइंट वन टू दी पर फाइव लास्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है टू का ई का लास्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है बोलिए सेवन पॉइंट फाइव एट परसेंट आ रहा है क्या पूरा सॉल्व करो इसको क्वेश्चन नंबर थ्री हुआ है तुम लोग का करो करो

या तो एक लाख रुपए अभी मिलेगा या फिर क्वेश्चन नंबर थ्री में फिफ्टी फाइव थाउजेंड टू इन्वेस्ट इन वन इयर्स टाइम एंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड टू ईयर्स टाइम ठीक है ये तो बहुत सिंपल है सबसे पहले फोर ईयर्स वाला करो क्या हो जाएगा एक लाख इंटू वन पॉइंट जीरो सेवन टू दी पार फोर निकाल लो और क्या निकालेंगे एक लाख इंटू वन पॉइंट जीरो टू टू पावर फोर सॉरी वन पॉइंट जीरो सेवन टू दावर टू हो गया तुम्हारा केस वन का और केस टू में क्या होगा फिफ्टी फाइव थाउजेंड कॉमन ठीक है वन पॉइंट जीरो सेवन टू दि पावर थ्री प्लस वन पॉइंट जीरो सेवन टू टू और यहां पर भी क्या हो जाएगा फिफ्टी फाइव थाउजेंड कॉमन Uh, दो साल है ना वन पॉइंट जीरो सेवन प्लस वन ठीक है दोनों में कौन सा ऑप्शन बेटर आ रहा है मैंने एक लाख वाला ही क्या एक लाख वाला ही दोनों में बेटर आ रहा है तो सबका आ रहा है एक लाख मैंने पहला ऑप्शन सबका बेटर आ रहा है येस और नो लावानिया ग्रोवर आपका आया क्वेश्चन नंबर फोर देखो ठीक है सौ पे रिडीम होगा ये 182 डे बिल है ये सौ पे रिडीम होगा 96.5 में इसको कोई खरीदा है एंड लेटर सोल्ड ऑन टू अनदर इन्वेस्टर फॉर 98

तो 182 में से 144 माइनस कर दो ये क्या है डेज हेल्ड बाय सेकंड इन्वेस्टर ठीक है कितना आ रहे वन एटी टू माइनस वन फोर्टी फोर थर्टी एट सिंपल रेट ऑफ रिटर्न पूछा है तो 98 एट पे लगाया वन प्लस आई इंटू थर्टी थर्टी एट बाई थ्री सिक्स इज इक्वल टू हंड्रेड मिल गया ठीक है कितना आ रहा है फिर थर्टी एट बाई थ्री सिक्सटी फाइव इज इक्वल टू वॉट हंड्रेड निकाल लो यहां से आंसर आ जाएगा सेकेंड वाला आंसर कितना आ रहा है ट्वेंटी वन परसेंट तो यही आ रहा है ना आराम से पहले यहां तक कर लो हाँ आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास मंडे है उस दिन हम लोग नया चैप्टर करेंगे हाँ हाँ हम्म पहला साल है ना तो पहला साल में सिंपल में ज्यादा आएगा पहला साल में सिंपल में बेसिकली लेस देन वन, वन तो तुम्हारा सिंपल में ज्यादा आएगा कंपाउंड में कम आएगा लेकिन बात तो वही है ना कि साल भर से कम का टाइम पीरियड है ना तो साल भर से कम का टाइम पीरियड में सिंपल इंटरेस्ट अच्छा होता है एंड एक साल बात समझो ब्याज पे ब्याज मिलेगा बात समझ तो ब्याज पे ब्याज मिलेगा तो ब्याज तो पहला साल पे जो तुम ब्याज कमाया फिर ना वो तुम्हारा प्रिंसिपल पे एड होगा दोनों तो में फर्क कहां पर है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें क्या होता है ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है तो इसीलिए मैंने बोलने का मतलब यह है कि साल भर के पहले में सिंपल में ज्यादा आता है मैंने अगर हम लोग देखें विद इन ईयर अब जैसे मान लें दो परसेंट सिंपल है दो परसेंट कंपाउंड है तो आधा साल में तुमको सिंपल पे ज्यादा आएगा क्यों तो क्योंकि दो परसेंट मान ले सिंपल है एक परसेंट तेरा वो हुआ ना आधा साल का लेकिन कंपाउंड में एक परसेंट से कम आएगा जब कंपाउंडिंग होगा तब फिर कंपाउंड में ज्यादा आएगा थर्टी एट टाइम्स क्यों वही तो एक साल के अंदर में सिंपल अच्छा होगा अगर दोनों का रेट सेम होगा तो सिंपल में ब्याज अच्छा मिलेगा ठीक है ट्रेजरी बिल वो होता है यशार्थ जो गवर्नमेंट इश्यू करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब गवर्नमेंट को पैसा लेना होता है पब्लिक से तो ट्रेजरी बिल इश्यू करता है टी बिल ठीक है आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे थैंक यू मॉकटेस्ट का पोर्टल का लॉगिन सबको मिल गया होगा तुम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मौक दे सकते हो और इंटरेस्ट रेट्स का मौक दे सकते हो ठीक है